हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में, और मैं हूं विशोक सिंह। तो यहां पे आप स्टार्ट कर रहे हैं जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2023 के बारे में हम बात करेंगे यहां पे। तो जो सिलेबस 2023 है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिलेबस में हम देखते हैं क्या क्या आपको पूछा जाने वाला है परीक्षा में, क्या क्या आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो क्या पूछा जाएगा, या अदर चीज़ें आपको क्या पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के विषय के बारे में। अगर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे एक रिटर्न एग्जाम होता है जिसको एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है, और उसके बाद आपकी जो परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आता है उसमें जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ को अगर अच्छे नंबर लेकर के आते हैं जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होता है, उसके बाद आपको वहाँ से कॉलेज अलाट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की। और सिलेबस में आप अगर देखेंगे सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। तो मैथमेटिक्स जो है आपका 25% रहता है, रीजनिंग 25% रहती है, यानी 25-25% जो है आपके ये दो सब्जेक्ट रहते हैं। इसके बाद आपका 75% जो है आपका होता है क्या, आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपकी आईटीआई ट्रेड में पूछा जा, जो आपने पढ़ा है जिस भी ट्रेड से आप अपने आईटीआई की है, तो उससे आपके 75% क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है वो आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा, जिसमें चार ऑप्शन होंगे और उसमें से एक आपको सही जो है वो आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका एक मार्क्स का यानी एक नंबर का होगा। कैंडिडेट विल बी गिवन 120 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आपको 120 मिनट मिलेंगे जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्गली आंसरिंग इन द क्वेश्चन दिस एग्जाम, यानी इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका सी आई टी एस एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2023। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि आपका 25% जो है आपका यहाँ पे रहेगा। लगभग 25 क्वेश्चन आपको लगभग यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है और यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ होल नंबर्स, और फिर यहाँ पे आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे आपका। इसके अलावा आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रपोजिशन, एवरेज पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट आपका जो बेसिक मैथ होता है किसी भी पर्टिकुलर जो आप परीक्षा दे रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो वही आपका बेसिक का जो मैथ रहता है वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका और डिस्काउंट हो गया, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स जो होता है वो आपका, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मैथमेटिक्स से पूछी जाने वाली हैं। तो जो है आपका 25% क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स से रहने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखिए एनालिटिक्स, ठीक है ना, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे विजुअली मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप से प्रश्न आएंगे आपके यहाँ पे। तो ये आपके जो रीजनिंग से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं, नॉन वर्बल सीरीज हो गया आपका, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ सब्जेक्ट से जो कुछ टॉपिक हैं इनको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, एक दो से अभी जो भी समय है परीक्षा का उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फिटर ट्रेड से संबंधित, जो फिटर में आपकी जो परीक्षा है जिसने आपकी फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रखी है उसमें क्या क्या सिलेबस आपका, यानी ट्रेड से क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो फिटर सीआईटीएस एडमिशन एग्जामिनेशन सिलेबस 2022-23 की अगर हम बात करें तो स्विमिंग आ गया, फिलिंग आ गया, और मार्किंग, चिपिंग या मेजरमेंट जो आप प्रैक्टिकल करते हैं ये सारे संबंधित हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर रहते हैं, ठीक है। रिबिटिंग, सोल्डरिंग, व्रेजिंग या फिर ड्रिलिंग एंड तो पीपीई जो आपकी किट होती है उससे संबंधित होता है, फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट एड एंड जो फर्स्ट एड होती है उससे क्वेश्चन, या 5S से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। सीट एंड मेटल अगर बात की जाए ये चैप्टर है, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। वेल्डिंग गैस आर्क विच, तो यहाँ पे आपके यहाँ से भी क्वेश्चन, मल्टी स्किलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट ड्रिलिंग ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे,
तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेपिंग से संबंधित आएगा, डाइंग डाइंग डिफरेंट फिट्स जो हैं आपके, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से आपके जो टॉपिक हैं इनसे सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फास्टनिंग की बात की जाए तो आप नट एंड बोल्ट रिपिटिंग ना, तो ये स्टड जो स्क्रू ईच वगैरह से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएंगे। डिफरेंट टर्निंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी आपकी लेथ मशीन है या फिर है ना, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सेफ एंड एनवायरनमेंट जो है आपका, यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बेसिक जो आपके सब शुरुआत के जो सब्जेक्ट चैप्टर हैं उनसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे ट्रेड टूल्ड एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड जो जो भी हैं आपके, स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइज डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, केबल से आपके केबल सिकिंग से रिलेटेड जो आपके मेकिंग जो हो गई उससे क्वेश्चन आ गए, ओम्स लॉ का नियम जो आ गया है, तो ये रेजिस्टेंस वगैरह है, तो यहाँ से आपके प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप आईटीआई की जो क्वेश्चन जो पेपर है या कोई भी आपके पास बुक्स है थ्योरी की, तो उसको अगर आप पढ़ के जाएंगे थोड़ा बहुत भी तो आप अच्छे से करके आएंगे। और बेसिक चीज़ें आपकी साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये सब पूछा जाता है। एचपी, एलपी, मरकरी जो वेपर लैम्प वगैरह होते हैं, सोडियम वेपर लैम्प होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाने वाली हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीसी मशीन वगैरह हो गया आपका, ठीक है, इंडक्शन मोटर हो गया, अल्टरनेटर एंड एमजी स्टार्टर और सेट्स हो गया, या डीसी मशीन एंड इंडक्शन मोटर हो गया आपका, डायोड्स या फिर विज रेक्टिफायर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाने वाली हैं। स्पीड कंट्रोल एंड एसी-डीसी मोटर बाय इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर आपका हो गया, या फिर इमरजेंसी लाइट हो गया, बैटरी चार्ज हो गया, यूपीएस एंड इन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, ठीक है। टर्मिनल सोल्डरिंग वायर एंड एनर्जी सिस्टम आपका, और इसके अलावा आपका रिलेटेड एंड सर्किट ब्रेकर, इससे जो आपका एमसीबी वगैरह होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारे आप जो है अगर टॉपिक पढ़ के जाएंगे, अगर आप जिस भी ट्रेड से हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। और समय समय पर हमारी जो क्लास मिलती रहेगी उसको आप लेते रहिएगा, तो उससे आप अपना बेहतर अच्छा जो है प्रश्न पेपर जो है करके आ पाएंगे। सो आशा करते हैं कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है या जो पेपर आने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो तीन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं आपकी, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड 75% क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हमने बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि अच्छी लगेगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।